राजधानी लखनऊ के कांग्रेस मुख्यालय में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने प्रेस वार्ता की और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने जो अभियान शुरू किया है उसकी जानकारी यूपी की जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। राहुल गांधी के पदयात्रा के बाद देश में जागृति आई है और कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास बना है। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार प्रजातंत्र को प्रचार तंत्र में परिवर्तित किया है और देश में रिकॉर्ड महंगाई ने घर का बजट तोड़ दिया और इस रिकॉर्ड बेरोजगारी ने हर नौजवान का सपना तोड़ दिया है। आखिर उन्होंने कहा कि देश में हर नौजवान का सपना टूटा है, किसान का स्वाभिमान टूटा है और गरीब के सपने टूटे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार आपसी भाईचारा तोड़कर राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक राहुल गांधी के संदेश को लेकर गांव, जिला, प्रदेश स्तर तक जाएंगे और प्रदेश भर में जनसभा करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा है कि आप लोग उत्तर प्रदेश जो है, आप क्या बागपत को, गाजियाबाद, लोनी को आप उत्तर प्रदेश का हिस्सा मान रहे हो? नहीं मान रहे? नहीं, मैं बिल्कुल मान रहा हूं। अभी वो भारत जोड़ो यात्रा वहां से निकली, अभी वो श्रीनगर जाने से पहले राहुल जी उत्तर प्रदेश में, तो ऐसा है कि राहुल जी पूरे देश के हैं, राहुल जी उत्तर प्रदेश के हैं, राहुल जी को उत्तर प्रदेश की जनता से बेहद प्यार लगाव है। उत्तर प्रदेश की जनता का भी समय समय पर राहुल जी को बहुत आशीर्वाद प्राप्त हुआ, मिला है राहुल जी को, तो राहुल जी जरूर निश्चित हैं।